नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। और प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल पर। और आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कैनन का जो EOS 200D जो मॉडल है उसके लिए जो फोकस जो टेस्ट है कि ये कितना जल्दी फोकस में आ जाता है, तो उसका मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। इसके अंदर जो है ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है जो कैनन की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और कैनन जो है वो अपनी वीडियोग्राफी के ऊपर ज़्यादा फोकस करके रखा हुआ है। और जो कैनन जो है, मैंने पहले ही बताया था कि कैनन जो है वो वीडियोग्राफी के लिए ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू रखता है अपना, और नाइकॉन जो है वो अपना फोटोग्राफी के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, यदि आप एक यूट्यूबर हैं और आप एक ब्लॉगर हैं तो आप जो है कैनन को आप खरीद सकते हैं। और अगर आप फोटोग्राफी के लिए जाना चाहते हैं तो आप बेशक से नाइकॉन खरीद सकते हैं। तो आज चलो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं इसका ऑटो फोकस जो टेस्ट है वो आपको करके दिखा देता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जो ये आपको ऑडियो सुनाई दे रही है ये कैनन के ही जो इंटरनल जो माइक्रोफोन है उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूं और वो ऑटो मोड के ऊपर है। और चलो टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही फास्ट है और बिल्कुल साइलेंट होके मैं आपको दिखा देता हूं कि इसके अंदर जो लेंस की जो ऑटो फोकसिंग की जो लेंस की आवाज है वो भी आपको यहाँ पे नहीं आ रही है। और नाइकॉन के अंदर जो है वो वीडियो के लिए नहीं बनाया गया, अगर आप एक्सटर्नल जो माइक अगर यूज करेंगे तो उसके अंदर वो प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाती है, लेकिन इसके अंदर आप सुन सकते हैं कि ऑटो फोकसिंग की जो आवाज है बिल्कुल नहीं है, जीरो है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, देखो बिल्कुल फास्ट है, अल्ट्रा फास्ट जिसको कहेंगे। और मैंने स्मूथ के ऊपर किया हुआ है। इसमें तीन मोड होते हैं, एक होता है ट्रैकिंग मोड होता है और एक होता है स्मूथ मोड, और एक मोड किसी भी पॉइंट को आप फिक्स कर सकते हैं उसी पे ही वो फोकस रहेगा। इसमें तीन मोड होता है फोकसिंग के लिए। तो जैसे कि इस पे रखते ही ये तुरंत जो है फोकस में आ रहा है, आउट ऑफ फोकस जा रहा है। तो ये इसकी बहुत ही अच्छी बात है और यूट्यूबर के लिए और वीडियोग्राफर के लिए बहुत ही मेजर चीज़ होती है कि जो फोकसिंग जो सिस्टम है वो फास्ट होना चाहिए, अल्ट्रा फास्ट होना चाहिए। ये मैंने स्मूथ भी किया हुआ है कि जिसे थोड़ा इफेक्ट भी आए, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, वंदे मातरम।